Hey guys, what's up? My name is Kabir और मैं हूँ यहाँ पे Business Blaster Expo 2022 and this is an amazing initiative by SERT, the Delhi government and it's just so amazing. और ऐसी amazing चीज़ों में मेरे साथ एक बहुत ही amazing है डॉक्टर सपना यादव जी, जो कि इस पूरे curriculum की, जो कि है entrepreneur mindset curriculum, उनकी project director हैं. She basically is part and parcel of जो आप Business Blaster पहले TV पे भी आपने देखा होगा कि जो कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये तो बड़ा स्टार्टअप वाला शो है, वो कहाँ से आइडिया आया, कैसे आया, वो यहाँ से आया था. तो सपना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. थैंक यू. सपना जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी हम इस पॉइंट पे हैं, बिजनेस ब्लास्टर एक्सपो हो गया है, स्टार्टेड विथ यू नो एक स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स, टीवी पे एक शो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे घर वालों ने बैठ के देखा, ये सब वैसे स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इतना बड़ा कब बना? सो बेसिकली जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो पहली तो चीज़ हम इसको प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं. यहाँ पे हम बच्चों को जो लेकर आ रहे हैं, बच्चे आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, दैट वी कॉल बिजनेस आइडियाज़, बिकॉज वी वॉन्ट कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कि जॉबलेसनेस की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक US में बैठा हुआ बच्चा जॉब करना नहीं चाहेगा. हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स बने, ऐसे बिजनेस वेंचर्स बने जहाँ पे US में, यूरोप में, अदर कंट्रीज़ में बैठे हुए बच्चे भी आकर कहें कि हमें इंडिया की इस कंपनी में जॉब लेना मेरा ड्रीम है. सो दैट्स द स्टार्टर जहाँ से ये शुरू हुआ था. एंड ये हम सभी जानते हैं कि स्किल्स को गेन करना, हार्ड स्किल्स लाइक फाइनेंस के बारे में जाना, बिजनेसेस के बारे में जाना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, कोई भी कोर्स करेंगे तब मिल जाएगा. लेकिन आपको अगर बच्चे का माइंडसेट डेवलप कर दें हम, कि बच्चे का माइंडसेट है कि मुझे जॉब भी करनी है या मुझे बिजनेसेस भी करने हैं, और लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ करना है. एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि बच्चा अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ जो एक प्रॉब्लम्स के रूप में दिखाई देंगी उसको, उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें, उनसे बहुत बड़ा सोचे, ड्रीम बिग करें, देन उसके बाद वो वहाँ पर प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, एनालाइज एंड लर्न करें. इसके बावजूद भी, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे अगर बहुत सारी टीम्स हैं, 126 टीम्स, इसके अलावा 51 लाख आइडियाज़ जो फर्स्ट राउंड में आए थे, देन 3000 आइडियाज़ हमारे शॉर्टलिस्ट हुए, देन उसके बाद अभी हमारे पास 926 टीम्स थी, नाउ वी आर हेयर विद टॉप 126 टीम्स. सो जो ये 126 टीम्स हैं, आई एम श्योर कि इनमें से कुछ टीम्स बैकअप भी करेंगी, लेकिन 100% टीम्स में ये कहूँगी कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आगे जाएंगी. हो सकता है वो ये वेंचर में फेल होती हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट डेवलप हो गया है, उस माइंडसेट के साथ वो लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएंगे. इस पे एक्चुअली आई जस्ट वांट टू लेट द व्यूअर्स नो, अगर आप इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, क्योंकि मैम काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली से नहीं होंगे, दिल्ली में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम है, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं जो ऑडियंस आउट ऑफ दिल्ली है जो देख रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली स्कूल्स में ये हो रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है. सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? सो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हैज़ स्टार्टेड इन 2019-20 एकेडमिक सेशन फॉर ऑल द स्कूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फॉर क्लासेज 9 to 12 स्टूडेंट्स. एंड इसका विजन जो है वो है कि स्टूडेंट्स मे नर्चर देयर ओन एबिलिटीज एंड क्वालिटीज सो दैट दे मे एक्सेल इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड दे मे चूज देयर ओन करियर पाथ. दिस इज़ द मेन विजन फॉर दिस. एंड द मेन विजन जो बिजनेस ब्लास्टर भी हमेशा हम बोलते आ रहे, हम बदलेंगे देश का कल, इससे शुरुआत. फिर उसके बाद जॉब सीकर्स नहीं बनाने, हमें जॉब क्रिएटर्स बनाने हैं. सो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हमारे स्कूलों में डेली एक क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास होती है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एंड द बेस्ट पार्ट, बच्चे क्यों इसको एंजॉय करते हैं, इसमें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, नो टेक्स्ट बुक्स. यहाँ पे सिर्फ हम टीचर्स के लिए एक मैनुअल बनाते हैं जिसमें हमारे रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी होती है, लाइक श्रीधरन जी की स्टोरी है, वॉरेन बफे की स्टोरी है. ये स्टोरीज हमारी थीमेटिक्स भी होती है, लाइक क्रिएटिविटी पे कोई स्टोरी है, और उसके साथ साथ हमारे इसमें एक्टिविटीज़ होती है. तो एक पूरा पैकेज होता है जो सपोर्ट करता है थ्योरी प्लस आपकी स्टोरी के साथ. इसके अलावा इसमें और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन. जब बच्चा क्लासरूम में एक स्टोरी सुनता है, सपोज वॉरेन बफे की, एंड यू नो कि हमारे बच्चे किस स्टेटस से आते हैं, तो मे बी वॉरेन बफे नहीं जानते हों,
सो उनके माइंड में वॉरेन बफे की रियल पिक्चर नहीं आके उनके माइंड में आ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इतना कर सकता है, या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 7 साल का या 10 साल का बच्चा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो उस केस में उन स्टोरीज पे हमें बिलीव कराने के लिए, उस इंस्पिरेशनल लर्निंग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन होता है जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को बच्चों की क्लासेस तक लेके जाते हैं। सो आप इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली अपार्ट फ्रॉम नो टेक्स्ट बुक्स एंटरप्रेन्योर्स डिजाइनर्स पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेसेस वो स्कूल में आते हैं और बच्चों को बताते हैं अपने बिजनेसेस के बारे में। बिजनेसेस के बारे में से ज्यादा वो बच्चों को अपनी जर्नी शेयर करते हैं। okay. उनकी 5 मिनट या 10 मिनट की जर्नी होती है एंड द जर्नी बेस्ड ऑन कि सक्सेस कैसे अचीव होती है, फेलियर हो गया तो उससे कैसे रीबाउंस कर सकते हैं। सो बेसिकली जर्नी पे हमारा फोकस होता है, ना कि उनके बिजनेस पे होता है। सो एक तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं जो लेजेंडरी एंटरप्रेनर्स हैं उनके बारे में, दूसरी तरफ जो आपके लोकली सुपर हीरोज एंटरप्रेनर्स हैं वो आके अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बिजनेस ब्लास्टर चालू हुआ था वी हैड हाउ मेनी टीम्स इन टोटल। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 7 सितंबर 2021 यहीं इसी स्टेडियम में लॉन्च हुआ था। मैं आज भी सोचती हूँ तो वो दिन था और आज का दिन है, उस दिन भी हमें ऐसे ही बहुत घबराहट थी। सो इनिशियली ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये करिकुलम जो है हमारा 9 से 12 के बच्चों के लिए है, बट बिजनेस ब्लास्टर हमारा जो कंपोनेंट है ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट है और ये 11th और 12th के बच्चों के लिए है। ईएमसी के अंडर आता है बिजनेस ब्लास्टर एज अ प्रोग्राम, राइट? एज अ प्रोग्राम, एज अ कंपोनेंट हम बिजनेस ब्लास्टर है, जैसे हमारा लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन है वैसे ही बिजनेस ब्लास्टर एक कंपोनेंट है ईएमसी के अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू अगेन कांग्रेचुलेट यू कि ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। आई हैव बीन हियर यहाँ बिजनेस ब्लास्टर एक्सपो 2022 पे हम लोग कुछ स्टॉल्स पे गए जहाँ पे ये 126 टीम्स जो आई हुई हैं दिल्ली के डिफरेंट स्कूल से एंड दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। द काइंड ऑफ स्टफ दे हैव यू वोंट बिलीव, आपको लगेगा वाओ कि द स्टार्टअप विच इज देयर इज बिल्ड बाय किड्स हु आर इन 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट इन दिल्ली, आप यहाँ पे नहीं है, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, आपने सपना मैम को सुना कि ये क्या इनिशिएटिव है, प्लीज़ गो अहेड एंड गो टू businessblaster.in जो वेबसाइट है, वहाँ पे सारी टीम्स रजिस्टर्ड हैं, राइट? राइट, वहाँ पे सारी टीम्स हैं, आप वहाँ पे जाके जो सारी टीम्स हैं इनको सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप उनको लगता है कि मेंटरशिप कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, इवन इफ़ यू आर इन दिल्ली और आप आज यहाँ पे त्यागराज स्टेडियम में नहीं आ पाए हैं बिजनेस ब्लास्टर एक्सपो 2022 के लिए, यू वॉन्ट टू सी विच ऑल टीम्स आर देयर, गो टू businessblaster.in, टीम्स को चेकआउट करिए, उनको सपोर्ट करिए। वॉट इज़ द फ्यूचर मैम, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस ब्लास्टर। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अनबिलीवेबल फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है। आपको जब स्टार्ट हुआ था सितंबर में तब हमें कुछ रेजिस्टेंस मिला था क्योंकि पढ़ाई का टाइम था, स्कूल खुले थे तभी के तभी, तो हमें कुछ रेजिस्टेंस मिला कि मैम ये टाइम है हम कैसे कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हमारी जर्नी शुरू होती रही यू वॉन्ट बिलीव, हमें लग रहा था पता नहीं कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 3 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस, 51,000 आइडियाज वी गॉट इन द राउंड वन, एंड हम सब बहुत सरप्राइज थे ये सब देख के कि 51,000 आइडियाज, मतलब कि इतनी टीम्स हैं हमारे पास, इतने सारे आइडियाज मिले हैं। तो तब हमें श्योर हो गया था कि हम राइट ट्रैक पर हैं। देन राउंड टू में हमें 3,926, नाउ यू नो कि 126 टीम्स के साथ हम बिजनेस ब्लास्टर पर इवेंट पर हैं, लॉन्च मतलब लॉन्च इसका समअप टाइप का हम कहेंगे, इस सीजन के लिए समअप टाइप का है। आप जब बोल रहे हैं इस सीजन के लिए, आई नो यू कैन नॉट गिव मी टू मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन बट इज देयर मोर? डेफिनेटली वी आर कमिंग विद मोर। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज बिजनेस ब्लास्टर एक्सपो 2022, आई एम कबीर, दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव, आई एम seriously inspired by looking at the kids what they are doing. Please, if you're not in Delhi or if you are not able to come here, go to businessblaster.in and check out all the great teams which are there, the way you can actually support them, it is just amazing. So stay tuned, we'll give you more excitement and yahan pe jo bhi ho raha hai aapke liye hum lekar aate rahenge.